ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ? ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਲਾਸਿਸ ਮੈਂ ਆਪਕਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਤਾ ਹੂੰ। ਮੈਂ ਹੂੰ ਰਾਘਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੂੰਗਾ ਆਪਕੋ इंडियन एग्रीकल्चर की तरफ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पटवारी का काम ज्यादातर एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड होता है, काफी हद तक एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। इसीलिए पंजाब पटवारी एग्जामिनेशन में एग्रीकल्चर ना पूछें वो, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि एग्रीकल्चर की कुछ बेसिक नॉलेज तो सबको होनी चाहिए, तभी वो पटवारी बनने को क्वालिफाइड है, राइट? इसीलिए एग्रीकल्चर के बारे में सब कुछ पता होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पंजाब पटवारी की एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन के लिए। वैसे तो आपके सिलेबस में जो और कंपोनेंट्स हैं उनकी प्रेपरेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, पर एग्रीकल्चर कुछ स्पेशल ही एक वो लेके चलता है, राइट? क्योंकि पटवारी का काम ही एग्रीकल्चर या उससे रिलेटेड एक्टिविटीज, लैंड रिलेटेड एक्टिविटीज के साथ ज्यादा होता है, ठीक है? तो आज से हम स्टार्ट करेंगे एग्रीकल्चर कंपोनेंट आपका पंजाब पटवारी एग्जामिनेशन के लिए। नाउ आज का जो पर्टिकुलर लेक्चर होगा ना, वो आपको बस इंट्रोड्यूस करेगा इस कंपोनेंट से। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमने क्या क्या कवर करना है, कितनी हमारी कवरेज होगी, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और हम कैसे प्रोसीड करेंगे इस तैयारी में, ठीक है? नाउ इंडियन एग्रीकल्चर को कवर करने के लिए फॉर दिस एग्जामिनेशन हम टोटल 15 क्लासेस लेंगे, राउंड अबाउट 15 क्लासेस। उन 15 क्लासेस में हम कोशिश करेंगे, अब उस कोशिश में आपकी भी कोशिश रिक्वायर्ड होगी, हमारी तरफ से भी कोशिश रिक्वायर्ड होगी। वो गारंटी हमारी कि हमारी तरफ से कोशिश 100% होगी, बट अगर आपकी कोशिश और हमारी कोशिश मिल जाए तो मैं गारंटी लेता हूं कि इन 15 क्लासेस के बाद इंडियन एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी सवाल आता है आपके एग्जामिनेशन में, आप वो तो ठीक करोगे ही करोगे, ठीक है? तो अब हम देखते हैं कि हम कवर क्या क्या करेंगे। बट कवरेज देखने के लिए कि हम क्या क्या कवर करेंगे, हमें एक बार यह तो देख लेना है कि क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। तो मैंने पता क्या करा है, पास्ट ईयर जितने भी पटवारी के एग्जामिनेशंस हुए हैं उसमें से एग्रीकल्चर से मुतल्लिक, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ 10 क्वेश्चंस मैंने शॉर्टलिस्ट करे। उन 10 क्वेश्चंस को हम अभी देख लेते हैं, उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हमने क्या क्या किस हिसाब से सवाल पूछे जाते हैं और क्या क्या हमें कवर करना होता है, हमें क्या क्या रटना होता है, क्या क्या समझना होता है और क्या क्या पढ़ना होता है, ठीक है? और छोटी मोटी ट्रिक्स वगैरह के जहां MCQs में जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें से ऑप्शन एलिमिनेट करके सही आंसर वो करना, टिक करना, वो टेक्निक भी हम देखेंगे कैसे हो सकती है, ठीक है? तो सबसे पहले देखते हैं ये 10 क्वेश्चंस जो पास्ट ईयर में पूछे गए हैं और इन 10 क्वेश्चन के मतलब कैसे इन्हें सॉल्व करना होता है, ठीक है? तो 10 क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम सिलेबस की तरफ आएंगे, ठीक है? ओके, तो एक एक करके सिलेबस क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है, किसान मित्र इज एन एम्प्लॉई ऑफ। नाउ किसान मित्र गवर्नमेंट की तरफ से ना किसान के लिए एक सुविधा है, किसान को जो जो चीजें चाहिए होती है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजर कितना चाहिए, जो जो एडवाइजरीज उसे चाहिए होती है, जो जो सहयोग चाहिए होता है कि कितना किस लैंड पे कौन सा फर्टिलाइजर लगाना है, कैसे पेस्टिसाइड यूज करने हैं, ये सारा जो सहयोग होता है ना गवर्नमेंट की तरफ से किसान के लिए, उसे हम कह देते हैं एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विस। ये एग्रीकल्चर एक्सटेंशन होती है, गवर्नमेंट की तरफ से एक्सटेंशन है कि किसान का एक तरह से किसान का हाथ बटाना, ठीक है? गवर्नमेंट एडवाइस देती है कि आप ऐसा करो ऐसा करो, जैसे DD पे कृषि चैनल आता था, कृषि DD कृषि, या किसान रेडियो होता है, किसान ऐप है ना, ये एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन का पार्ट है। नाउ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन का ही पार्ट है आपका एक किसान मित्र। कई बारी क्वेश्चंस ना आपको नाम से ही समझ आ जाते हैं, ठीक है? नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये किस बारे में, अगर आपने इसके बारे में पढ़ा भी ना हो ना, आपने कहीं सुना भी ना हो किसान मित्र इज एन एम्प्लॉय ऑफ, या किसान मित्र है कौन, तो भी नाम से आप बता सकते हो किसान मित्र मतलब किसान का दोस्त, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से किसान का दोस्त। दोस्त क्या करेगा, किसान के साथ खेती तो नहीं करेगा पर उसे टाइम टू टाइम एडवाइस देता जाएगा। तो किसान मित्र हो ना हो ये एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन से रिलेटेड है। अच्छा, अगर आपको पॉलिटी की बेसिक सी नॉलेज है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि जो एग्रीकल्चर है ना वो स्टेट का सब्जेक्ट है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट्स का काफी रोल होता है एग्रीकल्चर को संभालना,
स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि पॉलिटी में लिखा है कि एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। सेंटर जो है ना अपनी तरफ से मेजर मेजर प्रोग्राम्स और पॉलिसीज निकाल सकती है, पर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की है। तो अगर आपको ये दोनों चीजें पता है, नाम से आपने आइडिया लगा लिया, और अगर आपको पता है कि एग्रीकल्चर जो है बेसिकली स्टेट का है, ठीक है, तो भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब इन्होंने पूछा किसान मित्र इज एन एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट, की तरफ से किसान को सहयोग देने के लिए किसान मित्र किसका एम्प्लॉय होगा? यूनियन गवर्नमेंट का नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट एक तरह से मतलब सिर्फ ब्रॉड स्कीम्स एंड पॉलिसीज हैं, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो स्टेट की है। स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर तो सेंटर का हो गया, तो यूनियन गवर्नमेंट ये और ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, ये और ये एक ही बात है, ठीक है। नाबार्ड और स्टेट गवर्नमेंट में चॉइस है। अब यहां पे आप स्टेट गवर्नमेंट पे आंख मूंद के कर सकते हो, क्योंकि नाबार्ड भी ना एक एजेंसी है और ये एक स्टैट्यूटरी एजेंसी है। यहां पे अगर आपको ये नहीं भी पढ़ा, वैसे तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसे फैक्ट्स हम सारे पढ़े, पर अगर नहीं भी पढ़ा ना तो भी आप आंख मूंद के कह सकते हो कि हां स्टेट गवर्नमेंट ही होगा, और स्टेट गवर्नमेंट ही है। किसान मित्र की ऐप भी एग्जिस्ट करती है किसानों की हेल्प के लिए, तो किसान मित्र इज एन एम्प्लॉय ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। और देखते हैं, यहां मैं आपको बता रहा हूं कि एक सिलेबस में क्या क्या हमने कवर करना है। अब ये एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन वाली चीज है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड गवर्नमेंट की तरफ से किसानों के लिए क्या क्या सहयोग वाली स्कीम्स हैं, पॉलिसीज हैं, वो सारी हमारे सिलेबस का पार्ट है। इस क्वेश्चन से हमें ये पता चलता है। और दूसरा मेरा बताने का आपको पर्पज ये था कि किसान मित्र ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये सॉल्व आप ऐसे भी कर सकते हो अगर छोटे मोटे लॉजिक लगा लो, अगर आपने पढ़ा भी ना हो तो भी लॉजिक से कर लोगे। पर मैं ये अश्योरेंस दे दूं कि हम पढ़ेंगे जरूर, ठीक है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और गवर्नमेंट की तरफ से एग्रीकल्चरलिस्ट या किसानों को जो सहयोग जा रहा है वो सारी स्कीम्स करेंगे, ठीक है। तो पता हो तो बढ़िया, नहीं पता हो तो भी लॉजिक लगाना आना चाहिए, ठीक है। वो हम सीखेंगे आगे भी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम लॉजिक लगा के, अगर पता ना हो फिर भी लॉजिक लगा के किसी तरह आंसर तोड़ना है वो भी सीख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रीन रेवोल्यूशन हैज बीन मोस्ट सक्सेसफुल फॉर। नाउ इस सवाल से हमें पता चलता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया के एग्रीकल्चर को समझने के लिए हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन इन इट्स टोटैलिटी, सारी चीजें अबाउट ग्रीन रेवोल्यूशन हमें पता होनी चाहिए। तो हमारे सिलेबस का ग्रीन रेवोल्यूशन तो पार्ट होगा, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन के साथ साथ ग्रीन रेवोल्यूशन भी हमारे सिलेबस का पार्ट होगा, ठीक है। अब ग्रीन रेवोल्यूशन हैज बीन मोस्ट सक्सेसफुल फॉर वीट, राइस, ग्राम, मेज। नाउ ग्रीन रेवोल्यूशन अगर आपने पढ़ा होगा या जब हम पढ़ेंगे तो आप रियलाइज करोगे कि ग्रीन रेवोल्यूशन एक्चुअली पता क्या था, जो सीड्स होती है ना सीरियल्स की सीड, उसमें कुछ ऐसे साइंटिफिक चेंजेस करे थे, हाइब्रिडाइजेशन कुछ चेंजेस करे थे जिससे यील्ड बढ़ जाती है ना। वो जो चेंजेस करे थे वो नॉर्मन बोरलॉग ने करे थे मेक्सिको में, ठीक है। और नॉर्मन बोरलॉग जिन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं ओवरऑल, तो नॉर्मन बोरलॉग ने कुछ साइंटिफिक चेंजेस करे थे सीड में, और कौन सी सीड में करे थे, उन्होंने वीट में करा था। तो अगर इतना भी पता हो तो जाहिर सी बात है आपको पता होना चाहिए कि ग्रीन रेवोल्यूशन सबसे ज्यादा सक्सेसफुल वीट में हुई होगी, ठीक है। और अगर आपको थोड़ा और पता हो ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में तो आप जानोगे कि ग्रीन रेवोल्यूशन लाई ही इसलिए गई थी ताकि वीट और राइस की यील्ड बढ़ जाए। तो ये दोनों ऑप्शंस तो नहीं हो सकते, होंगे यही दोनों। और अगर आपने ये फैक्ट पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि वीट है सही आंसर। तो इसका सही आंसर है ए, वीट, ठीक है। नेक्स्ट, कृषक भारती मैगजीन इज पब्लिश्ड बाय। नाउ आपके एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट सिर्फ पॉलिसी और प्रोग्राम्स नहीं लेके आती, गवर्नमेंट R&D भी करती है एग्रीकल्चर में। नाउ R&D से मुराद क्या है, R&D का मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन साइंटिफिक डेवलपमेंट थी ना सीड्स में, तभी देखो इतना बड़ा, इतनी बढ़िया चीज हुई। वैसे ही एग्रीकल्चर में साइंटिफिक रिसर्च और डेवलपमेंट होती रहनी चाहिए। अब उसके लिए गवर्नमेंट क्या लेके आई है, कई रिसर्च इंस्टीट्यूशंस बनाए गवर्नमेंट ने, जैसे पूसा वगैरह, कई एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज हैं जहां रिसर्च वगैरह होती है और ट्रेनिंग दी जाती है। तो इसीलिए एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और बहुत सारे ऐसे एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूशंस के बारे में हमें पता होना चाहिए, कौन सा एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूशन कहां है, वो कौन सी मैगजीन पब्लिश करता है,
कौन सी सिटी में है, ये सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो आपके सिलेबस में एक चीज और क्या हो सकती है, इस क्वेश्चन से हमें पता चलता है कि एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज वगैरह के बारे में पता होना चाहिए। राइट, नाउ इस क्वेश्चन को आप लॉजिक से तो सॉल्व नहीं कर सकते, इसमें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नाउ इसका आंसर है सी, जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। पर अगर आपने एग्रीकल्चरल रिसर्च और यूनिवर्सिटीज और डेवलपमेंट के इंस्टीट्यूशंस का अच्छे से लेक्चर लगाया हो तो आपको इंडिया में इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं उनके बारे में पता चल जाएगा, और उनके बारे में अगर पता हो तो आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो जीबी पंत यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी है उत्तराखंड में, पंत नगर एक जगह है उत्तराखंड में, वहां पे है ये, तो यहां पे एग्रीकल्चरल रिसर्च बहुत होती है, तो इसके बारे में पता हो तो ये भी आप कर सकते हो। कृषक भारती मैगजीन यहां से आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन इंडिया जीन बैंक ऑफ वीट इज लोकेटेड एट, नाउ आपने ये नोटिस करा होगा कि एग्रीकल्चरल रिसर्च और डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ साथ आपको ना साइंटिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में भी पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या रोल है। तो इस क्वेश्चन से, ये जो जीन बैंक वाला क्वेश्चन है, इससे हमें आइडिया लगता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी या साइंटिफिक डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर भी हमारे सिलेबस का हिस्सा होगा, क्योंकि जेनेटिक्स पूछ लिए ना वीट के जेनेटिक्स के बारे में। ठीक है, तो जीन बैंक ऑफ वीट इज लोकेटेड एट, नाउ ये भी जब हम करेंगे तो आपको जीन बैंक कहां पे है, कौन से एरिया में कौन सी रिसर्च हो रही है, वो सारी लिस्ट मिल जाएगी। नाउ अगर वो लेक्चर हम अच्छे से लगाएं तो आप ये क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व कर सकते हो। जीन बैंक ना करनाल में लोकेटेड है। जीन बैंक में क्या होगा, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ वीट के जीन्स को आपने स्टोर करा हुआ है ताकि आप कभी भी कोई भी किसी भी जगह पर यूज कर सको। ठीक है, तो जीन बैंक ऑफ वीट इज लोकेटेड इन करनाल, हरियाणा। नाउ अगेन साइंस से ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ गया। इससे हमें पता चलता है कि एग्रीकल्चरल साइंस है ना जो, उस पर बड़ा जोर है इन एग्जामिनेशन का, सरकारी नौकरियों के एग्जामिनेशन का, जितनी भी सरकारी नौकरियां होती हैं। एक तो इकोनॉमी रिलेटेड एस्पेक्ट तो वो पूछते ही हैं, पर ये साइंस, एग्रीकल्चरल साइंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट से भी बहुत कुछ पूछते हैं सरकारी नौकरियां जितनी भी तमाम है। ठीक है, तो वो इस क्वेश्चन से भी पता चलता है। हॉलो हार्ट डिजीज ऑफ शुगर बीट, एक क्रॉप है शुगर बीट, इज कॉज ड्यू टू, अब हॉलो हार्ट डिजीज ना शुगर बीट में होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी से, और एक स्पेशल माइक्रोन्यूट्रिएंट है जिसका नाम है बोरॉन। तो बोरॉन की डेफिशिएंसी से हॉलो हार्ट डिजीज हो जाता है। आप देख सकते हो, देख रहे हो ना आप कि साइंस का कितना ज्यादा जोर है, एग्रीकल्चरल साइंस का। ठीक है, तो उसको तो हम और अच्छे से करेंगे, इकोनॉमी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर और साइंस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर हम अच्छे से करेंगे। नाउ इस क्वेश्चन का आंसर है बी, बोरॉन डेफिशिएंसी। आगे बढ़ते हैं। आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वॉटर टू द सॉइल फॉर द पर्पज ऑफ क्रॉप पोल्यूशन इज कॉल्ड, क्रॉप पे अगर पेस्टिसाइड रेजिड्यू है या सॉइल वगैरह पे कोई पोल्यूशन वगैरह हो रहा है, मिट्टी वगैरह चढ़ी हुई है, कोई भी टाइप का पोल्यूशन है, उसको हटाने के लिए आप क्या करते हो, इरिगेशन करते हो, है ना, पानी फ्लो करवाते हो, इरिगेशन करवाते हो। तो जब आप इरिगेशन करते हो तो कोई पोल्यूटेंट्स पानी के साथ ही बह जाते हैं। राइट, तो इसीलिए कहा यह जाता है कि क्रॉप पोल्यूशन को रोकने के लिए आपको इरिगेशन करना पड़ता है। तो यहां पे एक ही ऑप्शन है जो सही है, इरिगेशन, क्योंकि ड्रिप इरिगेशन और फ्लो इरिगेशन तो टाइप ऑफ इरिगेशन है। ड्रिप इरिगेशन तो होगा कि प्लांट के ना बिल्कुल रूट पे ड्रॉप ड्रॉप करके पानी डालना है, ठीक है, ताकि पानी की बचत हो। फ्लो इरिगेशन पता क्या है, पानी को एक हाइट पे रख दिया आपने, ठीक है, स्टोर करके, वहां से ऑटोमेटिकली फ्लो करता जाएगा, फिर खुला छोड़ दिया टैप, ऑटोमेटिकली फ्लो करता जाएगा, वो फ्लो इरिगेशन है। तो इरिगेशन मेजर कैटेगरी है जिससे आप ये कर सकते हो। ठीक है, तो इरिगेशन भी इंपॉर्टेंट है ना। इस क्वेश्चन से हमें यह पता चलता है कि इरिगेशन के बारे में भी करना है, तो इरिगेशन को लेके भी एक सेपरेट क्लास करेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट, विच इज द लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग इंडियन स्टेट एज पर 2013-14 रिकॉर्ड्स। नाउ ये क्वेश्चन पुराना है, है ना, ये क्वेश्चन उस टाइम पे है जब 2013-14 के रिकॉर्ड्स आए होंगे। राइट, तो इंडिया में कौन सी स्टेट कितना प्रोड्यूस कर रही है, कौन सा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट है, कौन लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस है इन रीसेंट टाइम्स, वो भी हमें पता होना चाहिए। उससे रिलेटेड ट्रिविया या स्टैट्स
हमें पता होने चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन से हमें ये पता चलता है कि फूड प्रोडक्शन रिलेटेड स्टैट्स, कि कौन सी क्रॉप सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होती है, कौन सी स्टेट कौन सी क्रॉप में नंबर वन प्रोड्यूसर है, कौन सी लीस्ट प्रोड्यूसिंग है, वो पता होना चाहिए। तो इस साल ना यूपी था उत्तर प्रदेश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट, तो वो हम कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, हु अनाउंस द इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। नाउ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया था 2013 में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमें आइडिया लगता है इससे कि ये भी पुराना क्वेश्चन है, बट 2013-14 के हिसाब से नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आपके करंट अफेयर्स में चल रहा था, जीके में, जनरल नॉलेज में चल रहा था, है ना। तो पिछले एक दो सालों में जो भी एग्रीकल्चर से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, चांसेस हैं कि उनसे रिलेटेड इन सरकारी नौकरियों के पेपरों में, गवर्नमेंट जॉब्स के पेपरों में पूछे जाएं, राइट। तो करंट अफेयर्स भी हमारे सिलेबस का पार्ट हो जाएंगे, एग्रीकल्चर रिलेटेड करंट अफेयर्स भी पार्ट होंगे, ठीक है। तो उस टाइम पे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट अनाउंस किसने करी थी, उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर ने, और उस समय फाइनेंस मिनिस्टर चल रहे थे आपके श्री प्रणब मुखर्जी, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट, अ शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप बिटवीन टू मेन सीजनल क्रॉप इज टर्म्ड एज। अब इस क्वेश्चन से हमें पता चलता है कि डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न्स, खारिफ क्रॉप कौन सी है, राबी क्रॉप कौन सी है, जैद क्रॉप कौन सी कब उगाई जाती है, किसका क्या सीजन है, कौन से सॉइल में उगाई जाती है, ये सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए। इस क्वेश्चन से हमें ये पता चलता है क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नाउ जब हम क्लासेस करेंगे ना अपना, जब पूरा लेक्चर खत्म, लेक्चर सीरीज खत्म कर लेंगे, तब आपको आइडिया हो जाएगा डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न्स के बारे में। और जब हो जाएगा तब आप ये क्वेश्चन देखोगे तो आपको लगेगा ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो सिंपल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। किसकी डेफिनेशन होती है ये, कैच क्रॉप की। कैच क्रॉप पता क्या होती है, देखो एक खारिफ क्रॉप है फिर राबी क्रॉप आएगी। अब खारिफ और राबी क्रॉप के बीच में थोड़ा सा टाइम आता है जब लैंड पे कोई क्रॉप नहीं उगाते आप, ठीक है, वो एक टाइम आता है, स्पेस आता है। कई फार्मर्स अपनी अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, प्रोडक्टिविटी तो नहीं बट कई फार्मर्स अपने आप को थोड़ा लिक्विड रखने के लिए, पैसे कमाने के लिए, वो जो बीच में गैप आता है उसमें भी एक शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप उगा लेते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप मतलब जिसको बहुत कम टाइम लगता है उगने में, 25 से 30 दिन में भी उग जाती है, ठीक है, उसे हम कैच क्रॉप कहते हैं। मेक सेंस, ठीक है। तो ये आप कर लोगे, सिंपल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। आप देख रहे होगे, नोटिस कर रहे होगे कि अगर तैयारी ठीक से करी जाए ना तो क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट नहीं है, ये एग्जाम इतने डिफिकल्ट नहीं है। सरकारी नौकरियों के एग्जाम कंपटीशन की वजह से डिफिकल्ट है, क्वेश्चंस की वजह से डिफिकल्ट नहीं है। ढंग से तैयारी की जाए, तरीके से तैयारी की जाए तो करा जा सकता है, सरकारी नौकरी अपने लिए, सरकारी सीट अपने लिए अरेंज की जा सकती है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन क्या है, अगेन ये भी क्रॉपिंग पैटर्न या डिफरेंट क्रॉप्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, उससे रिलेटेड ही है। प्रभात इज एन अर्ली शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी ऑफ, इसका आंसर है रेड ग्राम। रेड ग्राम की ये बड़ी फेमस वैरायटी है, ठीक है, और ये ना वैरायटी उस टाइम के करंट अफेयर्स में बड़ी पॉपुलर चल रही थी, तो इसीलिए इन दिनों पिछले एक दो सालों में जो जो डिफरेंट क्रॉप्स की डिफरेंट वैरायटीज हैं, जो फेमस चल रही हैं करंट अफेयर्स में, न्यूज में बहुत आ रही हैं, वो हम कवर करेंगे, ठीक है। तो अगर कोई और वैरायटी इन्होंने पूछ ली तो उसके बारे में भी आपको नॉलेज होगी। तो इसके लिए अगेन करंट अफेयर्स रिलेटेड टू क्रॉपिंग पैटर्न्स, डिफरेंट जो भी हम सिलेबस में जो भी करेंगे ना उससे रिलेटेड करंट अफेयर जरूर करेंगे, क्वेश्चंस में हेल्प करता है। तो प्रभात का आंसर हो गया रेड ग्राम, ठीक है। तो यहां हमने 10 क्वेश्चंस तो कर लिए कि डिफरेंट डिफरेंट, जिससे हमें आइडिया हो गया कि क्वेश्चन कैसे तोड़े जा सकते हैं सिंपल लॉजिक से। दूसरा, हमें सिलेबस में क्या क्या कवर करना होगा, हमें क्या क्या चीजें कवर करनी होगी जिससे हम ये टाइप के क्वेश्चंस आंसर कर सके। तो अब हम आते हैं सिलेबस पे कि हम ये जो 15 लेक्चर्स है एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन के लिए, गवर्नमेंट जॉब के एग्जामिनेशन के लिए, उसमें हम क्या क्या कवर करेंगे, कौन से एरियाज को टच करेंगे, ठीक है। चलो सिलेबस स्लैश कवरेज ये देख लेते हैं। तो पूरे सिलेबस को ना हम चार पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। इंडियन एग्रीकल्चर का सबसे पहले हम करेंगे इकोनॉमी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। नाउ इकोनॉमी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर में हो सकता है एमएसपी रिलेटेड इश्यूज के, एमएसपी सरकार कितनी देती है, सरकार सब्सिडी कितनी देती है, एग्रीकल्चरल लोन्स का क्या सिस्टम है, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। सुन रहे हो ना आजकल फार्म बिल को लेके इतना काफी ज्यादा प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं, तो फार्म बिल करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये फार्म बिल हो गए, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग हो गए, एग्रीकल्चरल लोन्स, एक्सटेंशन, जितनी भी इकोनॉमिक साइड ऑफ एग्रीकल्चर है ना वो हम शुरू में कवर कर लेंगे,
ठीक है। फिर हम आ जाएंगे, आपने क्वेश्चंस में भी देखा होगा साइंस ऑफ एग्रीकल्चर, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक ठाक आते हैं, तो साइंस बिहाइंड इंडियन एग्रीकल्चर पे हम आ जाएंगे, ठीक है, ये भी हम अच्छे से डिटेल में करेंगे, क्लियर। फिर आएंगे हम ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स। ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स क्या हो गया, डिफरेंट सॉइल टाइप्स हो गए, आपको सॉइल चाहिए, कौन से सॉइल, कौन सी क्रॉप कौन से सॉइल के लिए बेनिफिशियल है, डिफरेंट सॉइल टाइप्स हो गए, डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन हो गए कि किस क्रॉप को कैसा क्लाइमेट चाहिए होता है उगने के लिए, अच्छा है ना, तो एग्रो क्लाइमेटिक रीजन हो गए, ये सारे जो ज्योग्राफी रिलेटेड एस्पेक्ट्स है ना वो कवर करेंगे फिर हम साइंस के बाद ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स में। और एंड में हम करेंगे एक छोटा सा टॉपिक दो एक लेक्चर में या एक लेक्चर में, इरिगेशन से रिलेटेड। आपने देखा ही है इरिगेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ ही जाता है, है ना, पूछ ही लिया था पोल्यूशन, क्रॉप पोल्यूशन को हटाने के लिए क्या चाहिए होता है, फ्लो इरिगेशन क्या होता है ये भी पता होना चाहिए, इरिगेशन क्या होता है ये भी पता होना चाहिए, तो इरिगेशन से रिलेटेड चीजें करेंगे, ठीक है। नाउ पूरे के पूरे इंडियन एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चर के सिलेबस को हमने चार पार्ट्स में तो डिवाइड कर लिया, अब एक एक पार्ट को डिटेल में देख लेते हैं कि एक एक पार्ट में हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं इकोनॉमी ऑफ एग्रीकल्चर में। नाउ इकोनॉमी ऑफ एग्रीकल्चर में पहले तो हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है, ओवरऑल क्या क्या सिस्टम गवर्नमेंट ने प्लेस किया हुआ है, फार्मर कैसे पैसा कमा सकते हैं, क्या क्या गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंशियल सहूलतें हैं फार्मर्स को। फिर हम करेंगे रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का क्या रोल है। जनरली जब भी हम इकोनॉमी की बात करते हैं ना तो हम इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि इंडियन इंडस्ट्री का काफी रोल है, इंडियन सर्विसेज सेक्टर का काफी रोल है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का रोल है, पर हमें पता है क्या कि एग्रीकल्चर का हमारे हमारे इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल है। 10th 5-year plan में कहा गया था कि इंडिया का की प्राइम मूविंग फोर्स, इंडिया की इकोनॉमी की प्राइम मूविंग फोर्स, मैं लिख देता हूं, प्राइम मूविंग फोर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी को धक्का दे रहा है जो प्राइम मूविंग फोर्स वो एग्रीकल्चर है, कहा यह जाता है कई जगहों पे। ये तो आपने सेंटेंस सुना होगा, भारत एक कृषि प्रधान देश है, इंडिया इज एन एग्रीकल्चर डोमिनेटेड इकोनॉमी, है ना, कृषि प्रधान देश है, वैसे तो कृषि नॉट इकोनॉमी, एग्रीकल्चरली डोमिनेटेड कंट्री, है ना, यहां पे ज्यादातर लोग क्लोज टू 50% ऑफ योर पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर, 60% के आसपास तो रूरल इंडिया में लोग रह रहे हैं और रूरल इंडिया में डोमिनेंट एक्टिविटी एग्रीकल्चर है। तो ऐसी ऐसी कुछ बातें विच एक्सप्लेन द रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन ओवरऑल इकोनॉमी वो देखेंगे। फिर हम देखेंगे जैसा कि हमने अभी क्वेश्चन में भी देखा कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं वो देखेंगे, जिससे हमारे ये किसान मित्र टाइप वाले क्वेश्चंस हल हो जाएंगे, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन रिलेटेड क्वेश्चंस हल हो जाएंगे। देन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी रिलेटेड इश्यूज एंड ट्रेंड्स, किस क्रॉप की किस स्टेट में क्या प्रोडक्टिविटी चल रही है, किस क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, किस क्रॉप की प्रोडक्टिविटी कम हो रही है और उससे रिलेटेड इश्यूज क्या आ रहे हैं। प्रोडक्टिविटी गिर रही है तो फार्मर पे डेट बढ़ता जा रहा है, फार्मर को नुकसान हो रहा है, किस क्रॉप पे हो रहा है, खर्चा किस पे ज्यादा हो रहा है, तो ओवरऑल क्रॉप्स की प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी और उससे फार्मर्स पे क्या फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा है वो देखेंगे इसमें। फिर हम लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे, लैंड रिफॉर्म्स तो बहुत ज्यादा जरूरी है और पटवारी का ज्यादातर काम इसी से रिलेटेड है, लैंड से ही पटवारी का काम ज्यादा रिलेटेड होता है, तो लैंड रिफॉर्म्स का देखेंगे। फिर एग्रीकल्चरल फाइनेंस एंड मार्केटिंग, अभी ये जो रीसेंट फार्म बिल्स आए हैं ना इन्होंने एग्रीकल्चरल मार्केटिंग को ही टारगेट करा है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से क्या होगा, एपीएमसी मंडी ये जो होती है इनका क्या रोल है, ये सारी चीजें देखेंगे। और गवर्नमेंट की तरफ से फार्मर्स को जो सॉफ्ट लोन्स मिलते हैं, कम इंटरेस्ट रेट की तरफ से लोन्स मिलते हैं, फाइनेंस मिलता है बैंकों की तरफ से, कोऑपरेटिव बैंक्स की तरफ से जो फाइनेंस मिलता है, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम मिलती है, इंटरेस्ट की माफी मिलती है, ठीक है, ये सारी चीजें देखेंगे। और इसी में हम देखेंगे एग्रीकल्चरल डेट क्या चल रहा है वो भी देख लेंगे, ठीक है। फिर गवर्नमेंट की तरफ से एग्रीकल्चर के इनपुट पे सब्सिडी, अब एग्रीकल्चर के में इनपुट क्या यूज हो रहा है, देखो फर्टिलाइजर यूज हो रहे हैं, पेस्टिसाइड यूज हो रहे हैं, इंसेक्टिसाइड यूज हो रहे हैं, वीसीडीसाइड यूज हो रहे हैं, इरिगेशन के लिए वाटर यूज हो रहा है, इन सारी चीजों पे गवर्नमेंट सब्सिडी देती है तो उसका क्या रोल है वो देखेंगे। फिर हम देखेंगे फूड सिक्योरिटी, है ना, ये जो FCI है, FCI के गोडाउन है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, MSP पे जो प्रोक्योरमेंट होती है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, आपने देख लिया, क्वेश्चन भी आया हुआ इससे, तो फूड सिक्योरिटी रिलेटेड गवर्नमेंट के इश्यूज क्या हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या हैं, गवर्नमेंट के एक्ट्स क्या हैं और क्या सिचुएशन चल रही है वो कर लेंगे। और एंड में हम देखेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन,
ग्रीन रेवोल्यूशन पे तो आपने देख ही लिया, क्वेश्चन भी है, और ग्रीन रेवोल्यूशन इंडियन एग्रीकल्चर को बिना ग्रीन रेवोल्यूशन के समझा ही नहीं जा सकता, तो ये तो करना ही करना है। ठीक है, इकोनॉमी हो गया, फिर उसके बाद हम साइंस पे आ जाएंगे, साइंस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। अब इसमें हम आजकल काफी डिबेट चल रही है जीएम क्रॉप्स की, ठीक है, बीटी कॉटन है जैसे बैसिलस थुरिंजेनेसिस कॉटन, जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन है, जीएम क्रॉप्स को लेके क्या डिबेट चल रही है, बीटी कॉटन को लेके क्या किसानों के इश्यूज हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या सिचुएशन है, क्या साइंटिफिक एस्पेक्ट्स है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को लेके, वो देखेंगे। फिर हम देखेंगे साइंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री में क्या आएगा, डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग वगैरह, उसके पीछे की साइंस क्या है। आपको पता है जैसे डेयरी फार्मिंग के लिए एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन है एनडीआरआई करनाल में, वो क्लोनिंग भी करता है, बफलोज वगैरह की क्लोनिंग करता है, उनकी ब्रीडिंग करता है, उनकी मिल्क प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए काम करता है, तो क्या साइंटिफिक रिसर्च हो रही है इसके पीछे, वो देखेंगे। फिर हम देखेंगे फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड से रिलेटेड साइंटिफिक एस्पेक्ट, कि किस फर्टिलाइजर में कौन सा केमिकल होता है जिससे यील्ड बढ़ती है, किस पेस्टिसाइड में कौन सा केमिकल होता है जिससे ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ पेस्ट रेजिस्ट होता है, साइंटिफिक एस्पेक्ट्स देखेंगे इसमें। ठीक है, फिर एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एंड यूनिवर्सिटीज, इससे रिलेटेड पहला ही क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन जो था, थर्ड क्वेश्चन जो था जीबी पंत यूनिवर्सिटी वाला, एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हमारे कंट्री में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं जहां रिसर्च होती है, जैसे एनडीआरआई एक एनिमल हस्बेंड्री का रिसर्च इंस्टीट्यूशन हो गया, वैसे ही बहुत सारे सीड में रिसर्च करने की इंस्टीट्यूट्स हैं वगैरह वगैरह, तो वो सब कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं, क्या करते हैं और कौन से सिटीज में है, कौन सी स्टेट्स में, वो देखेंगे। फिर एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड क्लोनिंग एंड ब्रीडिंग, जो मैंने अभी एनडीआरआई का एग्जाम्पल दिया था, तो क्लोनिंग क्या होती है, कैसे होती है, ब्रीडिंग क्या हो रही है एनिमल्स में फॉर एनिमल हस्बेंड्री, वो देखेंगे। फिर हम साइंटिफिक एस्पेक्ट्स ही अगर कर रहे हैं तो हम पोल्यूशन के एस्पेक्ट को भी कवर करेंगे, कि सॉइल पोल्यूशन कैसे होता है, क्यों होता है, क्या इश्यूज हैं, वाटर पोल्यूशन को देखेंगे, क्या क्या पोल्यूटेंट्स हैं, एंड फूड पोल्यूशन, फूड में भी पेस्टिसाइड ज्यादा यूज करने की वजह से पोल्यूशन हो रहा है जिससे हेल्थ पे इंपैक्ट हो रहा है। ठीक है, और एंड में हम देखेंगे फूड फोर्टिफिकेशन, फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कोई भी फूड होता है ना टाइप का, वो किसी ना किसी न्यूट्रिएंट में डेफिशिएंट होता है, मतलब उसमें कमी होती है, तो कई बारी आप ना वो न्यूट्रिएंट उस फूड के साथ अटैच कर लेते हो जिससे काम सॉल्व हो जाए, लोगों में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कम हो जाए। जैसे इंडिया में ना आयोडीन की कमी बहुत ज्यादा पाई जाती थी, इंडिया में आयोडीन की कमी बहुत होती थी लोगों में, नॉट पूरे कंट्री में, मतलब लोगों में आयोडीन की कमी होती थी। अब आपकी बॉडी में अगर आयोडीन कम हो जाए तो आपको डिजीजेस हो जाते हैं, जैसे गोइटर वगैरह डिजीज हो जाएगा, तो इंडिया में ये बहुत हो रहा था। अब इंडिया में आयोडीन डेफिशिएंसी लोगों में कैसे पूरी करी जाए, नाउ गवर्नमेंट ने ये देखा कि देखो सारी दुनिया नमक तो खाती है, ठीक है, सारी दुनिया नमक खाती है, तो क्यों ना नमक में ही आयोडीन को फोर्टिफाई कर लिया जाए, अटैच कर लिया जाए, तो नमक में ही अगर आयोडीन अगर आप डाल दोगे तो लोग नमक तो खाते हैं, आयोडीन भी पूरा हो जाएगा। तभी आयोडाइज नमक आने शुरू हो गए थे, आयोडाइज सॉल्ट जिन्हें कहते हैं, एड्स में आता टाटा सॉल्ट, आयोडीन युक्त नमक, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, ये एक एग्जांपल हो गया फूड फोर्टिफिकेशन का। वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स आप फूड में डाल देते हो जिससे लोगों में वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कम हो जाती है, तो फूड फोर्टिफिकेशन के एस्पेक्ट को देखेंगे। ठीक है, साइंटिफिक एस्पेक्ट। फिर आया था ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट, इसमें हम सॉइल को देखेंगे, एग्रो क्लाइमेटिक रीजन को देखेंगे, डिफरेंट क्लाइमेट में कौन सा क्रॉप ज्यादा उगती है। ठीक है, अगर बारिश ज्यादा नहीं है तो आप ये वाली क्रॉप नहीं उगा सकते, ठीक है, अगर सर्दी ज्यादा पड़ती है तो ये वाली क्रॉप नहीं उगा सकते, बारिश बहुत ज्यादा है, इरीगेशन फैसिलिटीज अच्छी हैं तो राइस उगा सकते हो, ड्राई एरियाज हैं तो वहां पे कोर्स सीरियल्स और पल्सेस उगा सकते हो, तो ये ज्योग्राफिकल रिलेटेड एस्पेक्ट है। इसी में ही हम क्रॉपिंग पैटर्न्स करेंगे, देखा था ना अभी कैच क्रॉप रिलेटेड क्वेश्चन है ना, कैच क्रॉप क्या होती है, तो डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न, सीजन क्या है, खारिफ क्रॉप, राबी, जैद वगैरह वगैरह। फिर डिफरेंट क्रॉप की वैरायटीज देखेंगे, जैसे अभी रेड ग्राम पे क्वेश्चन आया था, प्रभात रेड ग्राम की वैरायटी है, तो क्रॉप की वैरायटीज, उनकी यील्ड क्या है, उनकी प्रोडक्टिविटी क्या है, एंड इश्यूज एसोसिएटेड विद इट, वो देखेंगे। फिर आजकल क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बहुत बातें हो रही हैं, तो लाजमी है कि जितनी भी सरकारी नौकरियों के पेपर है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम है, वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। अब
क्लाइमेट चेंज का ना इंपैक्ट हमारे एग्रीकल्चर पे भी हो रहा है, तो इसीलिए इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर को भी स्टडी करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर क्या होता है, उसके क्या क्या एस्पेक्ट है, जीरो बजट फार्मिंग क्या है, वो देखेंगे, ठीक है। उस पर क्वेश्चन मैं जैसे अपने अगर एक्सपीरियंस से बताऊं तो चांसेस हैं कि इन पे क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, पक्का आएंगे एक या दो क्वेश्चन, ऑलराइट। और लास्ट में हम करेंगे इरिगेशन, डिफरेंट फॉर्म ऑफ इरिगेशन क्या क्या होते हैं, जैसे टैंक इरिगेशन क्या है, कैनाल इरिगेशन क्या है, वेल इरिगेशन क्या है, ये वेरियस प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स फॉर इरिगेशन, ठीक है, वेरियस प्रोग्राम्स वगैरह, जैसे कृषि उन्नति योजना होगी, ठीक है, और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप वगैरह वगैरह, गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह वो देखेंगे। फिर माइक्रो इरिगेशन आजकल बड़ा हॉट टॉपिक है, इसमें ड्रिप इरिगेशन आता है, स्प्रिंकलर इरिगेशन आता है, तो माइक्रो इरिगेशन एंड इट्स वेरियस टेक्निक्स यानी कि ड्रिप एक टेक्निक है, स्प्रिंकलर एक टेक्निक है, वो प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ओवर इरिगेशन। कुछ एरियाज हिंदुस्तान के ऐसे हैं जहां पे इरिगेशन बिल्कुल नहीं फैसिलिटी है, किसानों को बहुत नुकसान होता है, और जिन जगहों पे इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी है ना, जैसे पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी, वहां किसान ओवर यूज कर रहे हैं, सारा अंडरग्राउंड वाटर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, तो ओवर इरिगेशन से रिलेटेड इश्यूज क्या है वो देखेंगे। फिर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एक तो पानी की स्केयरसिटी होती जा रही है, ऊपर से जो रह गया वो भी पोल्यूट होता जा रहा है, तो वाटर पोल्यूशन एंड स्केयरसिटी ऑफ वेरियस वाटर रिसोर्सेज इसको देखेंगे, क्लियर। और इसी के साथ हमारा खत्म हो जाएगा 15 और 100 लेक्चर्स, एक आधा लेक्चर ऊपर नीचे हो सकता है, 15 और 100 लेक्चर्स में पूरा का पूरा एग्रीकल्चर रिलेटेड आपका प्रिपरेशन फॉर योर गवर्नमेंट जॉब्स, ऑलराइट, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं, कल से नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे यही टॉपिक्स को स्टडी करना। आज का मेरा पर्पस था कि आपको रूबरू करवा दिया जाए, आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए इन टॉपिक से कि आपने करना क्या है, कवरेज आपको पता होना चाहिए और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ये पता होना चाहिए। ऑलराइट, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज, मेरी साइड से इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, फॉर बेयरिंग विद मी, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद द लेक्चर, थैंक यू।